welcome back to my channel. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है ढोकला। बहुत ही इजी से वैसे हम आज ढोकला बनाएंगे और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ और ये वीडियो हम जल्दी जल्दी। ढोकला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन, थोड़ी सी शुगर, चीनी यानी कि ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, ये है हमारे पास सिट्रिक एसिड, ये किसी भी किराना शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा, थोड़ी सी हल्दी, नमक और जिंजर यानी कि अदरक। तो अब हम करते हैं ढोकला बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी बेसन। अब हम एक और बाउल ले लेंगे, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हमें इसमें चीनी के 4 स्पून यानी कि 4 चम्मच चीनी के हमने इसमें ऐड किए हैं, 3 और 4। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आप 1/2 ग्लास पानी का ले सकते। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको इस कटोरी से करवाई है, इसलिए करवाई है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कप्स अवेलेबल नहीं होते, जो मेजरमेंट कप्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए आप अपने घर में कोई भी कटोरी ले सकते हैं जिसको आप सारी मेजरमेंट इसके साथ कर लें। अब हमें इसको करना है अच्छे से मिक्स, शुगर को मिक्स कर लें। ये जो हमारा शुगर सिरप है इसको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से और अब हम इसे बेसन में ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। एक फुल कप मैंने पानी का ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें जो है पानी को ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते हैं। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते जाना है, जैसे मैं इस साइड को चला रही हूँ तो हमें इसी साइड को चलाते जाना है, हमें जो हमारी साइड है उसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज जो ढोकला है वो परफेक्ट नहीं बनता। आप देख सकते हैं मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था और उसमें मेरा ये जो पूरा कप है ये पूरा कप मेरा पानी का इसमें चला गया और जो शुगर में मैंने डाला था वो मेरा 1/2 कप पानी था और वो भी इसमें गया है, यानी कि इसमें पूरा 1.5 कप पानी का मेरा चला गया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, ये 1/2 टीस्पून हमारा बेकिंग सोडा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून या फिर 1 पिंच जैसा भी आपको टेस्ट चाहिए इसमें, ये कलर के लिए होती है एक्चुअली। हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून ही हमें चाहिए इसके लिए नमक, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो हमने जिंजर लिया था इसको हम इसमें ऐड करेंगे, आप कोई भी ग्रेटर ले लें और उसके साथ इसको ग्रेट करके इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 5 मिनट तक आप इसको अच्छे से मिक्स करें, आप एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करें, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज ना करें, इसमें ऑटोमेटिकली जो बबल्स हैं वो जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इसको अच्छे से बीट करना है 5-7 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें जो बबल्स हैं वो आ चुके हैं,
और आपका जो मिक्सचर है अगर आपने बिल्कुल मेरे जैसा ही किया है और अगर आपने अपने जैसा भी किया है लेकिन मिक्सचर जो है वो आपने सही क्वांटिटी में डाला है तो आपके जो मिक्सचर के बबल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। और जब ये बबल्स जो हैं वो मिक्सचर में आ गए तब आप समझ सकते हैं कि जो आपका ढोकला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद भी आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है 2-3 मिनट के लिए और जो आपका बैटर है वो फूल जाएगा थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है वो कितना अच्छा लग रहा है। इसको अच्छे से और मिक्स करें ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, जिसकी वजह से हमारा जो ढोकला है वो बहुत अच्छा बनेगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। फिर हम इसे जिस बाउल में हमें बनाना है हम इसे उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि मैं आज बना रही हूँ अपना ढोकला ओवन में, तो ये जो मेरा बर्तन है ये ओवन वाला है। अब मैं इसमें जो है अपना मिक्सचर डाल दूंगी। अब हम इसको रख देते हैं और इसका जो टाइम है वो हम सेट कर देते हैं। अगर आपके पास ये सेम मेरे जैसा ही कन्वेक्शन मोड है तो आप माइक्रो प्रेस करके 5 मिनट्स प्रेस कर दें। बस इसे 5 मिनट्स लगेंगे ओवन में बनने के लिए। अब हम हमारा शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप तैयार करने के लिए हमें 2 लेमन चाहिए, ग्रीन चिली चाहिए, थोड़ी सी हमें राई चाहिए और हमें चाहिए शुगर यानी कि चीनी। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर या फिर एक बाउल पतीला कुछ भी ले सकते हैं आप। जो हमारा ये कंटेनर है इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लेंगे। मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल यूज़ किया है इसमें। अब हम इसमें 1/2 स्पून ऐड करेंगे राई का। हम अपनी ग्रीन चिली से इसमें ऐड कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा और हम इसमें हमारा लेमन सिरप जो था वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने यहाँ पे वही वाले 4 ग्लास जो हैं वो पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। फिर हमने इसमें ऐड करनी है हमारी शुगर। मैंने 1/2 कटोरी शुगर की ली है यानी कि 5 स्पून मेरे शुगर के हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे। 1-2 बॉईल जब हमारे जो है वो आ जाएंगे तब तक हम हमारा जो ढोकला है उसको देख लेते हैं कि वो कैसा बना है। हमारा ढोकला अच्छे से फूल चुका है। ये जो छोटा सा कट लगा हुआ है इसमें, ये मैंने जो है चाकू इसमें नाइफ को मतलब इसमें मैंने देखा था करके कि ये बन चुका है या नहीं। तो ये मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं अपना ढोकला जो है उसको निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना फूला फूला सा अच्छा सा बना है। आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरा ढोकला। अब हम इसे इस बाउल में रख देंगे और इसको पीसेस में कट कर देंगे। हमारा जो पानी है उसमें भी बॉयल आ चुका है। अब हम जो पानी है उसको साइड में रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर तक होने के लिए। अब मैं आपको अपना ढोकला दिखा देती हूँ कि वो कैसे फूला बैठा है। आप देख सकते हैं जो ढोकला है वो अच्छे से फूल चुका है और हमारा जो पानी है वो भी हमारा नॉर्मल पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये जो हमारा ढोकला है ये और थोड़ा सा फूल जाएगा क्योंकि ये पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे ढोकले को टेस्ट।
ढोकला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, लेकिन अपनी डिश की तो तारीफ सब लोग कर लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस डिश को ट्राई ज़रूर करें, ज़रूर अपने घर में बनाएं। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये ढोकला, एक्चुअली ये टेस्टी ढोकला अगर मैं आपको गैस पर बनाकर भी इसकी रेसिपी दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये रेसिपी मैं आपको गैस पर बनाकर भी ज़रूर दिखाऊँ। और मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं, यानी कि आने वाले वीडियोस हैं, वो आप कैसे देखना चाहते हैं, कि आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, व्लॉग्स देखना चाहते हैं, या फिर कोई चैलेंज, जो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वैसा ही वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी खाते हैं हम ढोकला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।